कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स टॉप बी फार्मेसी कॉलेज की लिस्ट, जो कि गवर्नमेंट भी एंड प्राइवेट भी हैं। और इन सभी कॉलेजेस की जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही हाई है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है कॉलेज रिगार्डिंग आप लोगों से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि करके सभी कॉलेज के बारे में। बाकी आपको सिंपली यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको गूगल पे आ जाना है एंड यहाँ पे IREF की जो वेबसाइट है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ का डाटा बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है इस वाले लिंक पर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाती है एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया रैंकिंग 2023 रिजल्ट, ठीक है। इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो चूज करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी है, बस इसी पर क्लिक कर देना है इस आइकन पे। अब देखो सभी कॉलेज की लिस्ट आ गई है, जो कि सबसे टॉप में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैंक वन पर यहाँ पे जो कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, यह जो कि रैंक वन पे है। नेक्स्ट ईयर शायद रैंक टू पे था, जामिया हमदर्द फर्स्ट पे था, बट इस बार जामिया हमदर्द सेकंड पे आ गया है, और जो ये वाला है ये फर्स्ट पे आ गया है। और तीसरे पे है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, और चौथे पे है GSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एंड पाँचवें पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एंड इसके बाद इसे सिक्स रैंक पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, ठीक है। यहाँ आप सभी कॉलेज की लिस्ट भी देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन भी देख सकते हो एंड स्टेट भी देख सकते हो। इसके बाद आप कितने रैंक है, कितना स्कोर जा रहा है यहाँ पे, ये सभी कॉलेजेस के बारे में आप एक एक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया है, यहाँ पे अपने स्टेट का नाम वगैरह भी लिख कर आप सर्च कर सकते हो अपने सिटी पे कौन सा कॉलेज आपके टॉप 10 में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कॉमेंट किया, सर हमें टॉप कॉलेज के नाम बताइए, किस कॉलेज में एडमिशन लें। तो देखो ये सभी कॉलेज हैं, करीब 100 कॉलेज हैं, इनमें से अगर किसी में तुम लोगों को एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एडमिशन ले लेना, 100 कॉलेज की लिस्ट है रैंक में। बाकी अपने सिटी के अनुसार भी देख लेना। बाकी चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मतलब हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। देखो कॉलेज की बात करें तो अब हर जगह आपको फार्मेसी कॉलेज मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले फार्मेसी को उतना डिमांड नहीं था, तो पहले कम कॉलेज हुआ करते थे फार्मेसी के कंपैरिजन टू बीटेक। पहले बीटेक के कॉलेज हर जगह हुआ करते थे, बट जैसे जैसे बीटेक का स्कोप गिरते गया, अब सभी वही कॉलेज फार्मेसी में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे हर तुम्हें हर गली चौराहे पे एक एक कॉलेज मिल जाएंगे जो कि फार्मेसी का कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी कॉलेज में देखो एडमिशन तो ले लोगे, 4 साल वहाँ पे पढ़ भी लोगे, बट उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर जिस कॉलेज में अच्छी नॉलेज एंड अच्छी पढ़ाई नहीं होगा, अच्छा लैब रिसर्च नहीं होगा, वहाँ पर पढ़ने के बाद कोई मतलब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा तुम लोगों से कि अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से देख लो किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज बेटर है एंड वहाँ की फैसिलिटी वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये ना हो कि एडमिशन लेने के बाद आप फंस जाओ और 4 साल आपको पूरा परेशान होना पड़े। 4 साल ही क्या, आपकी पूरी ज़िंदगी मतलब कॉलेज पर निर्भर कर रही है, क्योंकि आपको नॉलेज जितना अच्छा होगा आगे चल के आपको जहाँ भी आप जॉब वगैरह करने जाओगे या कंपनी में जाओगे या खुद का स्टार्टअप भी ओपन करोगे तो उसमें हर चीज़ में आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। बट अगर 4 साल आप नॉलेज में नहीं रहोगे, पता चलेगा आप कॉलेज ही नहीं कर रहे हो, जा ही नहीं रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही या कॉलेज में टीचर ही नहीं है, तो ऐसे कॉलेज से पढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज में लेना, अगर 4 साल लगा रहे हो, थोड़ा बहुत फीस का या पैसे का जो डिफरेंस हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना, मैं यही कहूँगा, ठीक है। बाकी काउंसलिंग होने वाली, काउंसलिंग में इन सभी कॉलेजेस की लिस्ट देख लो और वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कौन से कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, ठीक है। बाकी इन सब का लिस्ट का स्क्रीनशॉट तुम भी ले लो, मैं इसको टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगा। बाकी अगर कुछ पूछना है कॉलेज रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लेना। बाकी बस यही बताना था कि जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना, या तो ज़िले का अपने कॉलेज का टॉप कॉलेज हो ज़िले का, या राज्य के तुम्हारे टॉप कॉलेज हो, मतलब कॉलेज का थोड़ा नाम होना चाहिए, बट नॉलेज वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, ठीक है, और कॉलेज कम से कम PCI अप्रूव तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो कमेंट करना एंड इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।